हेलो एवरीवन, इस पार्ट में स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 8th का एसएसटी का ज्योग्राफी का 6th चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है कि पीपल आर अ नेशंस ग्रेटर रिसोर्स, यानी कि जो लोग होते हैं वो नेशन का सबसे बड़ा रिसोर्स है। लाइक हम कोई भी चीज़ बोले ए टू जेड, बट द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द नेशन इज पीपल, मतलब पीपल आर द नेशंस ग्रेटेस्ट सोर्स। ओके, इसके बाद आते हैं नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। चाहे हमारे नेचर में आसपास कितनी भी चीजें हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंट या काम की तभी हैं जब लोगों को भी लगे कि वो यूजफुल है। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटी दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। अगर हम लोगों को जरूरत ही नहीं हुई या हम लोग चेंज ही नहीं करना चाहते उसको, हम लोग उसको किसी काम की फॉर्म में चेंज ही नहीं करेंगे, कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, तो वो रिसोर्स थोड़ी कहलाएगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि वो काम का है, हम लोग अपनी मेहनत से उन चीजों को चेंज करते हैं, इसीलिए फाइनली वो रिसोर्स कहलाता है। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। तो ये फाइनली से कहना चाहिए अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी एडुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। यानी कि जो कर सकते हैं, जो सक्षम है, जिसे बोलना चाहिए कि हाँ भाई इनसे इनसे हो पाएगा, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इन चीजों को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज का। इट वेरीज, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स। हर किसी का अपना एजुकेशन लेवल है, कोई ज्यादा पढ़ा हुआ है, कोई कम पढ़ा हुआ है, सबकी एज अलग अलग है, और मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो कीप चेंजिंग। और उनके जो नंबर्स हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ह्यूमन रिसोर्स के, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, नाउ यहाँ पे ना एक छोटा सा मतलब कॉन्वर्सेशन दे रखी है टीचर एंड बाकी सबकी। सो यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब कि टीचर भी बोल रही है, बच्चे भी कह रहे हैं कि 30 चिल्ड्रन है मेरी क्लास के अंदर, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक आर दे आर इन द होल वर्ल्ड। सो टीचर से स्टार्ट हुई, इन्होंने बोला कि कितने बच्चे तुम्हें लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, बच्चे नहीं, कितने लोग तुम्हें लगता है कि पूरे वर्ल्ड में है। तो वो बोलते हैं कि 30 चिल्ड्रन मेरी क्लास में है, 500 चिल्ड्रन मेरे स्कूल में है, मेरे विलेज में इतने हैं। तो उसने बोला कि कैसे आप इन सबको नंबरों में कैसे लिखोगे, हाउ विल यू कन्वर्ट इट। तो फिर देन दे सेड कि 6.6 बिलियन पीपल होंगे ऑन एन एवरेज, इतने लोग हो सकते हैं। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो लेफ्ट में आपको दे रखे होते हैं, एंड इनफैक्ट ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि काफी सारी चीज आपको पता चलती है देखने के बाद। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसको करा देती हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एक जैसे ना अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट असाइन है, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट इट। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985 विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल स्किल। स्किल क्या होते हैं ना, देखो इफ यू हैव गुड स्किल्स तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। जैसे कि एक अच्छा कुक है, उसका स्किल क्या है कि वो खाना अच्छा बना सकता है। सपोज किसी को एक ऐसी आर्ट आती है जो पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं आती या बहुत को कम लोगों को आती है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये जो स्किल है उसका, ये उसको हेल्प करेगा। सो ये जो मिनिस्ट्री है, इसका जो मेन एम है वो ये है कि लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करना है। दिस जस्ट शोज हाउ इम्पॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। क्योंकि लोग जरूरी हैं। देखो कोई भी चीज हुई, कोई भी तरक्की हम करते हैं, हमारा देश कुछ अचीव करता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट वी से कि भाई लोगों ने मेहनत करी है वहां पे। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, दे आर पुटिंग द एफर्ट्स, दे हैव दैट स्किल। इसीलिए ये चीज मतलब ध्यान में रखनी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं लोग पूरी कंट्री का। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको आइडिया होना चाहिए। प्रधानमंत्री, ओ सॉरी, जस्ट गिव मी वन मिनट। यस, प्रधान, जस्ट 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 वन मिनट। हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कई बार, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे, क्या थी, कब लॉन्च हुई थी, क्या उसका पीछे का रीजन था। वो 2015 में स्टार्ट हुई थी और उसका जो एम था वो ये था कि 1 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेन करेंगे। ठीक है, 2016 से लेके 2020 तक इतने लोगों को अराउंड ट्रेन करेंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव होता है ना, जैसे आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस क्या क्या चीजें इस
जिस चीज को आपने स्टार्ट किया है उसके एंड में आप कौन कौन सी चीजों को अचीव करोगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि एनकरेज करना एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स। देखो इसको मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ। मेन चीज क्या थी, इसका जो गोल था वो ये था कि लोगों को ऐसे चीजों में ऐसे स्किल्स उनके डेवलप करना कि वो एम्प्लॉय हो सकें, जॉब कर सकें, ठीक है। और जो नॉर्मली वेज अर्नर्स हैं यानी कि डेली वेज होते हैं जितना उनका दिहाड़ी के हिसाब से यू नो दे अर्न, तो ऐसे लोगों में अगर इस तरह के स्किल्स आ जाएं, वो ट्रेन हो जाएं कि वो काफ़ी अच्छे से यू नो एम्प्लॉयड हो जाएं, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो था PKVY, इसका जो एम था दैट वॉज कि लोगों के अंदर जिसे कहना चाहिए ऐसे स्किल्स यू नो डेवलप करना, उनके अंदर उस चीज़ को ट्रेनिंग देना ताकि वो यू नो एम्प्लॉयड हो जाएं, एम्प्लॉयबल स्किल्स उनके अंदर डालना जो उनको काफ़ी काम है, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस फर्स्ट पेज। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस, जिस तरह से लोग यू नो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग जगह पे, उसको हम बोलते हैं द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सर्फेस, यानी कि जो 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लैंड सर्फेस पे रहती है, ठीक है, 30% लैंड सर्फेस पे रहती है, ऑब्वियसली बाकी काफ़ी सब तो पानी है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, बहुत अनइवन है, यानी एक होता है इवन कि आप कह दो कि इस कॉन्टिनेंट पे इस जगह पे इतने लोग हैं और सेम मतलब इसके आसपास ही दूसरे जगह पे हैं और उसके बाद सेम सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट वुड बी कॉल्ड इवन। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली अनइवन है मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा है कहीं पे बहुत कम है, सो दिस इज एक्सट्रीमली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। कई एरियाज वेरी क्राउडेड, मतलब सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड हैं, एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड, और कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है, बहुत मुश्किल से मतलब वो पॉपुलेटेड हैं, ज़्यादा लोग हैं ही नहीं। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये तो हो गए जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गए। Now, if we say very few people live in high latitudes area, tropical desert, high mountain and area of equatorial forest. So, there are many reasons जिसकी वजह से ये uneven distribution है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो गया ये uneven distribution. There are many factors जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ये जानते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक drawing देखोगे तो यहाँ पे उसने बोला कि ऑफ एवरी 100 पीपल, अगर हम लोग माने कि कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्या शो किया है, इतने येलो वाले जो हैं ये तो एशिया में रह रहे हैं, मतलब खतरनाक तरीके से एशिया में लोग भरे हुए हैं। देन लिव इन यूरोप, इतने जो ये हैं ये यूरोप में रह रहे हैं। लिव इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में रह रहे हैं। लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ये यहाँ पे अमेरिका की साइड रह रहे हैं। नॉर्थन अमेरिका, ये कम होते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा से सबसे कम। एंड ये जो ग्रीन वाले हैं, दिस इज लाइक वेरी वेरी लेस, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड पैसिफिक आइलैंड में ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ की साइड पे, यू नो द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट, मतलब बीच में से जाती है, इमेजिनरी लाइन हम मान के चलते हैं, तो जो बीच जो उसके ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे नॉर्थ में आपको ज़्यादा लोग दिखेंगे एज कम्पेयर टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 continents, एशिया एंड अफ्रीका। अगर मैं बोलूँ मतलब इसको देख के आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, इट इज़ लिविंग इन एशिया एंड अफ्रीका, कहाँ पे, एशिया और अफ्रीका में। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 countries, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बोलूँ 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल, मतलब पूरे वर्ल्ड के 60% जो पीपल हैं वो केवल 10 countries में रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 million पीपल, और उनमें सब में 100 million पीपल से ज़्यादा लोग हैं। सो यहाँ पे ना वैसे तो ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट लेट मी टेल यू सबसे पॉपुलस कंट्री में कौन कौन से आती हैं। इट्स इफ यू विल सी क्लियरली यू विल फाइंड चाइना, इंडिया, फिर USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फ्रेडन एंड जापान। सो दिस इज़, लेकिन हाँ बहुत फ़र्क है, बिकॉज
दिस इज फ्रॉम 2011, यानी कि काफ़ी साल हो गए, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए जब ये डाटा इकट्ठा किया था. अभी भी खैर चाइना इज ऑन लीड, यानी नंबर वन पे है, इंडिया सेकेंड पे है, बट वी आर ऑलमोस्ट देयर. यू विल सी, हम यू नेवर नो कब क्रॉस हो जाए, बट दिस इज द सिचुएशन. ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग इसको देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि क्या है, क्यों है. एंड इसके बाद ना इसको ख़त्म करते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. उसके बाद हम लोग ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है इसको मेरे हिसाब से नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे. ठीक है, सो नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि जब आप लोग रिवाइज करो तो आपको याद रहे. सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस. देखो एक सिंपल सी बात होती है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना घनत्व. अगर मैं बोलूँ, एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, सपोज मैं बोलूँ यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया है. ठीक है, मैं इसमें ना ब्लू कलर का, जिसे कहना चाहिए, पेड़ उगा रही हूँ, उल्टा हो गया बट ठीक है, और यहाँ भी उगा रही हूँ. इफ यू विल लुक क्लोजली आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उसी एरिया के अंदर, उस एरिया, उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में ज्यादा पेड़ हैं. ठीक है, तो यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की कम है. ठीक है, दैट इज वन थिंग. नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस. क्या है ये, कितने लोग रह रहे हैं इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस. इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर. अगर हम इस चीज को मान के चलें जो एवरेज डेंसिटी है, ध्यान से देखो, तो उसके अकॉर्डिंग इट इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. नाउ एक सेकेंड रुकिए, उसको भी हाईलाइट कर देते हैं. इसमें क्या लिखा है, साउथ सेंट्रल एशिया, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है यहाँ, यानी वहां पे जो ये स्क्वायर होगा, एक एक स्क्वायर, उसमें बहुत सारे लोग होंगे. ठीक है, और हो सकता है किसी और कॉन्टिनेंट में ये स्क्वायर हो, इतने लोग ना हो, लेकिन अगर हम बात करेंगे साउथ सेंट्रल एशिया में तो काफी ज्यादा हाई डेंसिटी है. साउथ सेंट्रल एशिया के बाद आता है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से दो देखो, आप एक चीज देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. यहाँ पे हम हिसाब लगा रहे थे 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ आते ही हो गया एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर. इट इज वेरिंग ड्रास्टिकली, मतलब कितना ज्यादा फर्क है. वहाँ 51% था, इट इज 382% इन इंडिया. ठीक है, सो इट्स लाइक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. नाउ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेन ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट आवर क्लासरूम सीम्स वेरी क्राउडेड, बट वेन द सेम क्लास इज सीटेड इन द स्कूल असेंबली हॉल इट सीम्स सो ओपन एंड एम्प्टी. व्हाई, बिकॉज द साइज ऑफ द एरिया ऑफ द हॉल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम. हाउएवर व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कम इनटू द हॉल, द हॉल टू स्टार्ट्स लुकिंग क्राउडेड. वो बच्चा कह रहा है कि हमारी जो क्लास है, ये बच्चा कह रहा है कि जो हमारी क्लास है अगर उसमें 30 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लगता है, लेकिन सेम अगर ये बच्चे हॉल में बैठते हैं जाके तो इतना खाली खाली लगता है, तो पता ही नहीं चलता कि कुछ यू नो कंजेस्टन वहाँ पे है, कंजेस्टेड है. तो वो बोल रही है कि ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो हॉल है ना, हॉल का साइज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लासरूम. और अगर सेम चीज़ यानी ऐसी हो जाए कि सारे बच्चे स्कूल के हॉल में चले जाएं, तो वो हॉल भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड दिखने लगेगा, दैट विल हैपन. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, इसको समझेंगे. आई थिंक इसको मैं इसी पार्ट में कवर करा देती हूँ बिकॉज छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं हैं. सो वील कवर इट एंड देन जस्ट क्लोज इट. ठीक है, ठीक है, लेट्स एंड इट. जस्ट गिव मी वन मिनट. नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ऐसे फैक्टर्स जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, कुछ तो रीजन होता होगा ना कि कहीं पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पे बहुत कम लोग रह रहे हैं, देयर शुड बी समथिंग. सो यहाँ पे पहला पॉइंट है, इसमें हाईलाइट करते हुए चलेंगे, टोपोग्राफी. इट इज टोपोग्राफी. नाउ व्हाट डज दैट मीन, ये टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है.
लोगों को हमेशा पसंद है ऐसी जगह पे जाना जो प्लेन्स हो, प्लेन्स, ठीक है, प्लेन मतलब ना माउंटेन एरिया ना प्लेट्यूज या ऐसे कुछ भी नहीं, वो प्रिफर करते हैं प्लेन एरियाज में रहना, ठीक है। और अभी तक आप ये लास्ट चैप्टर पे हो तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसके बारे में। सो ये जो एरियाज हैं दीज आर वेरी सुटेबल फॉर फार्मिंग। द रीजन क्योंकि ये प्लेन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ बहुत स्मूथ रहता है। माउंटेन एरिया में अगर कंपेयर करोगे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड वाइल माउंटेन एंड एल्प्स एंड हिमालय आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। इसने क्या बोला, एक सिंपल सी बात बोली है, मतलब कि जो प्लेन एरियाज होते हैं ना वहां पे हर चीज मतलब फेवरेबल रहती है और काफी आसान होती है, लेकिन अगर मैं बोलूं जो बाकी की जगह है वहां पे दिक्कत होती है क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन एंड अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, बट प्लेन के कंपैरिजन में बाकी जगह थोड़ी कम डिजायरेबल होती है। ठीक है, नाउ इस पे आते हैं नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे पढ़ते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट सॉरी यस क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या करता है, क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल किस चीज के अंदर, अगर कहीं का भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है, बहुत ठंड बहुत गर्मी, तो पीपल ऑलवेज अवॉइड सच प्लेसेस। ठीक है, आपको कोई बोले कि आपको एक नॉर्मल एरिया में रहना है या डेजर्ट एरिया में रहना है या फिर बहुत पोलर रीजन में रहना है, तो आप वहां पे जाना अवॉइड करोगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि पीपल अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे कि हॉट एंड वेरी कोल्ड, सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन, रशिया, कैनेडा एंड एंटार्क्टिका। तो ऐसे जगहों पे लोगों को जाना अच्छा नहीं लगेगा, दे विल प्रिफर कि हम ऐसी जगह पे रुके जहां पे हर चीज सुटेबल हो, ना ज्यादा है ना बहुत कम। ठीक है, सेकेंड फिर हम आते हैं इस पे सॉइल पे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी सॉइल, ठीक है, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अगर अच्छी सॉइल होगी ना तो लोगों को काफी अच्छा लैंड मिल जाएगा एग्रीकल्चर करने के लिए। और जो ये फर्टाइल प्लेन्स है जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इंडिया में जो है, ह्वांग ही चांगजियांग इन चाइना एंड नाइल इन इजिप्ट, दे आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि जहाँ पे एक तो आपको प्रॉपर फर्टिलिटी मिल रही है सॉइल की और काफ़ी सारे फैक्टर्स हो जाते हैं सिर्फ उस चीज़ के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं वाटर। पीपल प्रिफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल। लोग ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी अच्छा मिल रहा है। यू नो नो बडी लाइक्स टू सफर बिकॉज ऑफ द वाटर, कि बाकी जगहों पे पानी है हमारे यहाँ पानी नहीं हम यहीं रुकेंगे, ऐसा कोई नहीं करेगा। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट हैव स्पेयर्स पॉपुलेशन। स्पेयर का मतलब कम पॉपुलेशन है, काफी कम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वाटर इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जिसकी वजह से लोग जाना पसंद करते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पानी बहुत है, रिवर्स बहुत है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे काफी सारी रिवर्स आपको मिल जाएंगी, पानी की वहाँ पे समस्या नहीं है, अब होनी शुरू हो गई है, बट एक टाइम था वेयर जहाँ पे मतलब जिसे कहना चाहिए पानी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर आते हैं मिनरल्स पे। एरिया विद मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होते हैं, हम लोग अर्थ के अंदर से बहुत सारे मिनरल्स निकालते हैं फिर उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सो दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर बिकॉज ये अगर आपको मिलता रहेगा तो आपको फिर दिक्कत ही नहीं है वहाँ रहने में। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरिया। मिडल ईस्ट में बहुत सारा ऑयल मिल गया, पता है कि वहाँ खदाने हैं जिसे कहना चाहिए, डायमंड मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है कहीं पे, तो दीज फैक्टर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द पॉपुलेशन। तो लोग जहाँ पे फेवरेबल हैं चीज़ों का फायदा है दे प्रिफर टू स्टे इन दोज एरियाज। ठीक है, नाउ ये भी पढ़ लेते हैं सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल में अगर मैं बात करूँ, सोशल एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। जैसे पुणे हो गया इंडिया के अंदर, ठीक है, सो वहाँ पता है कि बहुत अच्छा वेदर भी रहता है, हाउसिंग है, चलो वेदर तो हटा देते हैं, हाउसिंग अच्छी है, एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो लोग जो पुणे है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, दूसरा कल्चरल, जहाँ पे कुछ रिलीजन या कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, दे गेट दिस होल हैपनिंग लाइफ और कल्चरल पूरा टेस्ट उनको मिलता है, तो इसीलिए दे प्रिफर टू लिव इन सच एरियाज जैसे कि वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे वेटिकन सिटी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है बट वो खुद भी बहुत छोटा सा है। एंड इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप ऑब्वियसली जैसे आपने सुना होगा, ये तो आपने सुना ही है कि लोग इनफैक्ट गांव से शहरों में आते हैं फॉर व्हाट, फॉर एम्प्लॉयमेंट।
तो अगर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत अच्छे से यू नो जॉब फैसिलिटीज है, एम्प्लॉयमेंट है, और एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, तो पीपल विल प्रिफर टू स्टे इन अ प्लेस, वो ऐसी जगह पे रहना चाहेंगे जहाँ पे उनको यू नो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. वो ऑब्वियसली ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे उनको पता है कि दे आर नॉट गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज. सो ओसाका इन जापान, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया, काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, बिकॉज देर आर मेनी मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, देर आर मेनी इंडस्ट्रीज जो वहाँ पे वर्क कर रही हैं, एंड उनको लगता है कि वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छे चांसेस मिल सकते हैं फॉर यू नो द होल, जिसे कहना चाहिए व्हाट डू वी से, एम्प्लॉयमेंट के लिए. ठीक है, एक छोटी सी चीज़ जो पता होनी चाहिए आप लोगों को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर ऑफ ईयर्स, क्या एक एवरेज पर्सन यू नो जिंदा रहेगा. सो एक छोटी सी बात बोलती हूँ, इफ़ यू आर सेइंग दैट ये टॉर्टोइज है या कोई और एनिमल है जो बहुत साल जिंदा रहता है, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी एक आप एवरेज निकाल लेते हो, ये इतने साल तो रहते ही रहते हैं. ठीक है, किसी डॉग के लिए आप बोलते हो कि हाँ मतलब उसकी 8 से 10 साल मान लो, चाहे वो 14-15 कोई कोई एक्सेप्शन ज़्यादा जी जाए, लेकिन फिर भी आप मान के चलते हो एक एवरेज निकाल के कि 12 साल या 11 साल. ठीक है, ह्यूमन के केस में पहले इट यूज टू बी काफ़ी ज़्यादा पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी, बट नाउ विद टाइम इट हैज़ चेंज्ड, अब इतनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, अब काफ़ी कम है और कम हो गई है, 60-70 बोलते हैं, बट फिर भी उसमें भी थोड़ा सा यू नो कभी कुछ होता है, कभी कोई बीमारी विच कैन लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हेयर. ठीक है, तो आई थिंक इस वाले पार्ट में अभी इतना ही करते हैं, और इसके साथ जो इसका सेकेंड पार्ट का लिंक होगा वो मैं शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आपका वो चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा. आप बाकी वॉट यू कैन डू, यू कैन चेक द SST की प्लेलिस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, या फिर SST की और वीडियोस देखने के लिए आप ना उसकी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. और अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, 1%, 2%, एनीथिंग, तो यू कैन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक. सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.